अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एडी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदनान और आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट के वेन्यू के हवाले से और कंफर्म टाइम भी पता चल चुका है, उस हवाले से भी अपडेट देंगे। साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, जिसमें पहले मैच में भी बुरी तरह से नाकामी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हुई और मुल्तान में मैच मूव हुआ और पहले दिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिली। तो क्या गलतियाँ हुई, आगे चलकर पाकिस्तान टीम को क्या करना होगा, पूरी तफसील से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना, ताकि जो भी वीडियोज़ आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करें वो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है मसलसल ये दूसरी टेस्ट सीरीज़ है जो कि घर में हारी है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बुरे तरीके से शिकस्त हुई है। पहले हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने दो टेस्ट मैच ड्रॉ किए, एक मैच हम हार गए और सीरीज हमारे हाथ से निकल गई। उसके बाद हमने देखा कि ये सीरीज़ पहले दो टेस्ट मैचेस ही पाकिस्तान हार गया और अब पाकिस्तान के वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल खेलने के ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो चुके हैं और अब पाकिस्तान इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलने के काबिल नहीं है। चाहे अपने रिमेनिंग तमाम मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत जाए, पाकिस्तान जो है अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल नहीं खेल सकती है। आज के इस मैच की अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले दिन से ऐसा लगा कि पाकिस्तान मैच में है और पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगी, लेकिन पहली इनिंग्स में उनको जल्दी आउट करने के बाद खुद उससे भी जल्दी आउट हो गए और 208 रन पर आउट हो गए। एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से लीड दे देगा, लेकिन लीड क्या देते, वहाँ पर पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स करती है। 160 तक पाकिस्तान के तीन आउट होते हैं और उसके बाद कोलैप्स होता है और 208 तक पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो पवेलियन में चली जाती है। और टीम सिलेक्शन की अगर बात करें तो सिलेक्शन भी हमें गलत होती हुई दिखाई दी, जहां पर हमने देखा कि मोहम्मद अली खेले, फ़हीम अशरफ खेले, जाहिद महमूद खेले और अबरार अहमद खेले। अबरार को हमने कहा था कि पहले टेस्ट मैच में भी खिलाना चाहिए था, नहीं खिलाया गया। और इस टेस्ट मैच के अंदर जहां आपको प्रॉपर फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत भी थी, जहां पर एंडरसन को आप देखें कि किस तरह से रिवर्स स्विंग मिली, रॉबिनसन को किस तरह से रिवर्स स्विंग मिली, तो हमने क्या किया कि सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ मैदान में गए, मोहम्मद नवाज़ को खिलाया, ऑलराउंडर थे फ़हीम अशरफ, ऑलराउंडर थे सलमान, ऑलराउंडर थे, इतने ऑलराउंडर्स का क्या करना। टेस्ट क्रिकेट जो है वो स्पेशलिस्ट की गेम है और यहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट प्लेयर चाहिए होते हैं, जो कि आपने नहीं किया। नसीम शाह आपके इंजर्ड हुए, अब आप बहाना लगा रहे हो कि नसीम शाह, शाहीन वगैरह इंजर्ड हो गए थे, हारिस इंजर्ड हो गए थे, तो इस वजह से हम ये टेस्ट मैच हार गए। तो आप बैकअप के तौर पर प्लेयर्स को बुला सकते थे, घर में सीरीज थी, अब्बास को आप बुला लेते, हसन अली को आप बुला लेते, आप बुला सकते थे फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि पहले टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गए थे हारिस रऊफ और आपको पता था कि अगले मैच में आपको फास्ट बॉलर की ज़रूरत होगी। नसीम शाह एट द एंड आपके लास्ट मोमेंट पर इंजरी का शिकार हुए, तो उस वक्त भी आप अब्बास को बुला सकते थे, लेकिन आपने वो काम नहीं किया और आप फ़हीम और जो अली हैं उनके साथ ही काम चलाते हुए नज़र आए, जिसकी वजह से आपको दूसरी इनिंग्स में फिर मार पड़ी और एक अच्छी खासी लीड जो है इंग्लैंड ने हासिल की और आपको 350 का टारगेट दिया। और एक वक्त तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी इस मैच में भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इमामुल हक की और सऊद शकील की वो पार्टनरशिप की वजह से मैच में पाकिस्तान किसी तरह से वापस आया। और उसी तरह नवाज़ की जो कुछ आज से मदराना बैटिंग पहले सेशन में हमें नज़र आई, जिसकी तारीफ जो है मार्क वुड ने भी की है, तो वो चीज़ें हमें लैग करते हुए नज़र आई। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो बैटिंग में आपको ठहरो लाने की ज़रूरत थी, आप आराम से खेलते, मैच को जीतते, आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते और आप मैच जीत सकते थे। कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि आगा सलमान को आपने नवाज़ से भी बाद में भेजा, आगा सलमान को पहले भेजते, नवाज़ को बाद में भेजते, आगा सलमान और सऊद शकील की लंबी पार्टनरशिप जाती और उसके बाद नवाज़ आकर उस मैच को फिनिश करते जिस तरह से वो फिनिश करते आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, गलतियाँ हुई और आप पाकिस्तान को होम कंडीशन पर भी शिकस्त से दो चार होना पड़ा है। अब नेक्स्ट मैच जो है और हमारा कराची के अंदर है, साग बचाने के लिए वो मैच पाकिस्तान की अगर टीम जीते तो ही है, 1-2 से जो है सीरीज़ अपने नाम तो अब इंग्लैंड कर लेगी ही, अगर मिनिमम रिजल्ट भी यही रहता है पाकिस्तान वो मैच जीता और यहाँ पर इंग्लैंड तो सीरीज़ जीत गई है। अगर अब ड्राफ्ट की बात करें तो ड्राफ्ट भी जो है वो हमें
कराची के अंदर 15 दिसंबर को होता हुआ दिखाई देगा। जो डिफेंस गोल्फ क्लब है वहां पर पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट होगा और 4 बजे ये बताया गया है कि मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उस दौरान तमाम टीमों के जो ओनर्स हैं उनके जो लोग हैं वो मीडिया टॉक्स भी करेंगे और उसके बाद बाकायदा तौर पर 5 बजे पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट का आगाज़ होगा जो कि जियो सुपर, पीटीवी स्पोर्ट्स और आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो और पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल पेज पर भी ड्राफ्ट को एंजॉय कर सकते हो। तो ये थी अपडेट्स पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जो वीडियोज़ आने वाले दिनों में अपलोड करूँ वह आप तक जल्द अज जल्द पहुँचते रहे। अल्लाह हाफिज़।